हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शबनम्स लाइफस्टाइल। हम लेडीज़ की रोज़ की यही परेशानी होती कि हम नाश्ते में क्या बनाएं, बच्चों को टिफ़िन में क्या दें। तो आज मैं उसी के लिए एक हल लेकर आई हूँ। मैं एक ही मिक्सचर से तीन टाइप के अलग अलग फ्रैंकी बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले हम पोटैटो को इस तरीके से घिस लेंगे। हम चाहे तो मैश भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे घिसने से वो इवन हो जाता है, तो स्टफिंग के वक्त हम लोगों को इजी हो जाता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा व्हीट फ्लोर डालेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से बाइंड हो जाए। तो स्टफिंग के वक्त हम लोगों को वो चिपचिपा टेक्स्चर नहीं रहेगा, तो आसानी से हम लोग उसे बेल पाएंगे। आटे को हम अच्छी तरीके से गूंथ लेंगे। आलू के पराठे के साथ चटनी या सॉस तो चाहिए ही रहता है, तो सबसे पहले मैं चटनी पीस लेती हूँ। अब हम एक लोई ले लेंगे। लोई को हम लोग कटोरे का शेप दे देंगे और उसमें एक स्पून या जितना भी आप लोगों को डालना हो अपने हिसाब से पोटैटो का मिक्सचर डाल देंगे और उस पर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल कर देंगे ताकि वो बीच में से फटे नहीं। इसे अभी हम बेल लेंगे और उसे अच्छी तरीके से दोनों तरफ से सेक लेंगे, ऑयल अप्लाई कर लेंगे। घर में जितने लोग होते हैं उतने ही सबके अलग अलग चॉइस होती है, तो मैं इसी मिक्सचर से अलग अलग लोगों के फरमाइश पूरी करूंगी। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, अरीबा को आलू के पराठे पसंद है, तो मैं उन लोगों के लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। उमर को आलू के पराठे नहीं पसंद है, तो मैं उसके लिए फ्रैंकी बनाऊंगी। मेरे हस्बैंड को ना आलू के पराठे पसंद है ना पोटैटो फ्रैंकी पसंद है, तो इनके लिए मैं थोड़ा सा और वेरिएशन करूंगी, उनके लिए मैं एग रोल बना दूंगी। और अब हमारा ये सेकंड रेसिपी है पोटैटो फ्रैंकी, जिसे मैं उमर के लिए बना रही हूँ। वो टिफ़िन में भी यही लेके जाएगा, उसे ज़्यादा वेजिटेबल्स पसंद नहीं है, इसके लिए मैं इसमें कोई वेजिटेबल नहीं डाल रही हूँ। पर अगर आप चाहें तो इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो, जो भी बच्चों को पसंद हो आपके, या आपके घर में किसी को पसंद हो। कैबेज हुआ, बीट हुआ, जो भी आप लोग चाहते हैं इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर लेंगे मायोनीज़ को और शेजवान को, आपके टेस्ट के हिसाब से। अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा लगा लें, कम पसंद है तो कम लगा लें, नहीं पसंद है तो आप ना लगाएं। वैसे तो उमर पोटैटो खाता नहीं है, लेकिन इस तरीके से फ्रैंकी अगर मैं बनाकर दे देती हूँ तो बहुत शौक से वो खा लेता है। और अब हम बनाने जा रहे हैं एक पोटैटो रोल, जो मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने जा रही हूँ। उन्हें भी वेजिटेबल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं उनको कोई भी वेजिटेबल नहीं डाल के दे रही हूँ। उन्हें पोटैटो भी नहीं पसंद है, लेकिन मैं इस तरीके से अगर ऑमलेट डाल देती हूँ बीच में तो वो अच्छे से खा लेते हैं। ऑमलेट बनाने के बाद हम उसी तवे में अच्छे से पराठे को भी सेक लेंगे, दोनों तरफ से ऑयल लगा के सेक लेंगे। आप चाहें तो इस रोल में चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने नहीं ऐड किया है क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए बहुत हैवी हो जाएगा। थोड़ी सी वेरिएशन करने पे अलग ही टेस्ट हो जाता है, सबके अलग अलग टेस्ट के हिसाब से हम इसमें कुछ भी चेंजेस ला सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा, और आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।